बेटा आरती, ये है तेरी सबसे बड़ी जेठानी पायल, ये दूसरी वाली दामिनी और ये तीसरी है, इसका नाम त्रिशा है, और चौथी अब तू आ गई। बेटी, आज से यही तेरी दुख सुख की साथी है, यही तेरा भरा पूरा परिवार है। जी माँ जी। तुझे पता है बेटी, हम सब की ताकत यही है कि हम सब एक हैं। इस पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा परिवार हमारा ही है। मैं, तेरे ससुर जी, तेरे तीन जेठ, उनकी पत्नियां और कुल मिलाकर 7 बच्चे। आह, बस तेरी कमी थी, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। हाँ सही कहा माँ जी, वैसे आरती के आने से सबसे ज्यादा खुशी तो त्रिशा को ही हो रही है। अरे हम दोनों के पास तो हुक्म चलाने के लिए देवरानी थी, पर बेचारी त्रिशा अब तक सबसे छोटी थी, लेकिन अब आरती के आने से वो भी तो जेठानी बन गई। सही कहा भाभी, मुझे तो आज से बड़ी बहू होने का एहसास होने लगा। ये कहानी है कमला और उसके बड़े से परिवार की। कमला एक छोटे से शहर में अपने पति हरिलाल के साथ रहती थी। उसके 4 बेटे थे और उनकी 4 पत्नियां। सबसे छोटी बहू आरती के आने से कमला और हरिलाल का परिवार अब पूरा हो गया था। और फिर एक सुबह, अच्छा भाभी, ये सुबह का नाश्ता कौन बनाता है? मैं और त्रिशा मिलकर बना लेते हैं, तब तक माँ जी और दामिनी दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाते हैं, और फिर मैं और त्रिशा रात के खाने की तैयारी करने लगते हैं। फिर तो सारा दिन थक जाती होंगी आप सब। अरे पूछो मत, पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। चलिए आज मैं आपके साथ नाश्ता तैयार करूंगी और रात का खाना भी। ठीक है, तो मैं त्रिशा को झाड़ू पोछे और बर्तन के लिए बोल देती हूँ। घर में सभी बहुओं का काम बटा हुआ था। धीरे धीरे आरती भी उनके साथ रम गई। और फिर एक सुबह, अच्छा आरती, एक काम करो तो जरा, मेरे लल्ला को नहला दो, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है भाभी। आरती ने जैसे ही त्रिशा के बेटे को नहलाया, तभी उसके पास पायल आ गई। आरती जरा ये मटर छील दो, शाम को आलू मटर बनेंगे। ठीक है भाभी। पायल आरती को 2 किलो मटर देकर चली गई। थकी हारी आरती मटर छीलने लगी। जैसे ही मटर छीली, तभी उसकी सास कमला ने उसे आवाज लगाई, आरती जरा यहाँ आना बेटी। जी माँ जी। मेरे बाल बड़े रूखे हो रहे हैं, जरा चंपी तो कर दे बेटी। ठीक है माँ जी। आधा घंटे तक कमला की चंपी करने के बाद बेचारी आरती को खुद ही नींद आने लगी। उसका मन कर रहा था कि वो बस अपने कमरे में जाकर सो जाए, लेकिन तभी फिर से उसकी जेठानी त्रिशा उसके पास आ गई। चलो आरती, खाने का टाइम हो रहा है, एक काम करो, मैं सब्जी बना देती हूँ, तब तक तुम रोटियां सेक लो। सब मिलाकर 60-65 रोटियां काफी होंगी। ठीक है। त्रिशा इतना कहकर रसोई में चली गई और आरती ने अपना माथा पीट लिया। उस दिन आरती ने पूरी 65 रोटियां बनाई। वो थक कर चूर हो चुकी थी, लेकिन ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, अब तो आरती की यही जिंदगी थी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक शाम जब आरती का पति अंकित काम से लौट कर आया, तो उसने बड़े प्यार से आरती से पूछा, कैसी हो मैडम? हालत खराब है मेरी तो, यहाँ तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, पूरा बदन टूट रहा है दर्द के मारे, जी कर रहा है कहीं आराम से बैठ जाऊँ 2-3 घंटे के लिए। तो चलो पिक्चर देखने चलते हैं, तुम्हें रेस्ट भी मिल जाएगा और हमें क्वालिटी टाइम भी मिल जाएगा। पिक्चर जाने की बात सुनकर आरती बड़ी खुश हुई और वो झट से तैयार होकर आ गई। लेकिन जैसे ही वो अंकित के साथ घर से निकलने लगी, तभी उसकी जेठानी पायल उसके पास आई। आरती, वो दामिनी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे साथ तुम्हें रोटियां सिखवानी पड़ेंगी। ये सुनते ही आरती के तन बदन में आग लग गई। फिर अगले ही दिन उसने अपनी सास कमला से साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया। माँ जी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे अलग रहना है। लेकिन बेटी, मेरी बात तो सुन एक बार। नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैं फैसला कर चुकी हूँ। और फिर वो अंकित के साथ पास ही के दूसरे मोहल्ले में रहने चली गई। वहाँ किराए का कमरा लेकर दोनों पति पत्नी रहने लगे। पहले तो सब कुछ अच्छा चला, लेकिन फिर एक दिन, सुनिए मुझे 500 रुपए दे दीजिए, सब्जी लानी है। अरे पर अभी तो तुमको 3000 रुपए दिए थे। हाँ तो वो तो राशन के लिए थे ना। देखो आरती, मेरी तनख्वाह बस 14,000 है, उसमें कमरे का किराया, मोटरसाइकिल का पेट्रोल, बिजली का बिल, ये सब देने के बाद बचता ही क्या है, तो तुम जरा खर्चे कम करो, समझी? अरे पर मैंने किसी गलत चीज के लिए थोड़ी मांगे है पैसे।
हाँ लेकिन अलग अलग रहने की जिद तो तुम्हारी थी ना। पहले मेरी तनख्वाह कभी कम नहीं पड़ती थी, उल्टा मैं हर महीने 2-3 हजार बचा ही लेता था, लेकिन जब से हम यहाँ आकर रहने लगे तब से कर्जा ही चढ़ता जा रहा है मुझ पर। उस दिन अंकित और आरती में खूब लड़ाई हुई और उसके बाद तो ये झगड़ा रोज का ही हो गया। आरती अब बहुत दुखी रहने लगी। उसे रह रहकर अपने ससुराल की याद आने लगी थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि अलग होकर उसने अपना ही नुकसान किया है, लेकिन अपने ससुराल वालों का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। फिर एक शाम, भाभी कोई बात नहीं, चुप हो जाओ आरती। ओए इतनी बड़ी होकर रो रही है, चुप हो जा, चल हम तुझे लेने आए हैं। भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, अब चल हम तेरा सामान समेटने में मदद करते हैं। इसके बाद आरती अपनी जेठानियों के साथ अपने ससुराल वापस आ गई। मां जी एक बात पूछूं, आपको कैसे पता लगा कि मैं वहां परेशान हो गई थी? अरे तेरी गलती नहीं है, अभी तू नई है ना, तूने तो फिर भी 4 महीने खींच लिए। ये दामिनी ये तो पहले महीने के बाद ही गुस्से में चली गई थी अलग रहने, 2.5 महीने में ही वापस आ गई। बेटी परिवार से अलग ना तो कभी कोई खुश रहा है और ना कभी रह पाएगा, समझी मेरी झांसी की रानी। और इस तरह एक बार फिर हरिलाल और कमला के परिवार में खुशियां लौट आई।